जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। देवीय सज्जनों, जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाए। यह हमारी कामना है कि श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपकी जिंदगी को रोशनी मिले, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बातें भी आपको सही मार्ग पर ले जाने में सफल रहेंगी। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं, या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती हैं कि हमारा कोई मदद कर देगा। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो भर जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें, और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। आप इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो व्यक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। मन चंचल होता है या इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि हम व्यक्ति के वश में हो जाएं, तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है, जिससे दुनिया बनी है। जिसका मन उसके बस में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया।
गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं, चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो लोग कहते हैं अपनों के आगे झुकना झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह झुकने नहीं देते। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता और ना ही समझता है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। अगर मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं तो सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, कृष्ण तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत न हो। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हमें समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व तो नहीं जानता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपको अपने स्वभाव में जियो। आप अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उस पर
उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा होता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति का व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित होता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होता है, धर्म का नहीं। तुम्हारे मोह ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया को इससे कोई लेना देना नहीं है। जय श्री कृष्ण। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।